सात माह के बाद एचआरटीसी की बसें अन्य राज्यों में भी जानी आरंभ हो गई हैं। शुरुआती तौर पर अभी ज्यादा बसों को नहीं चलाया जा रहा है, केवल कुछ रूटों पर ही बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ये जानकारी एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने दी। उन्होंने बताया कि कोविड संकट की वजह से बसों को अन्य राज्यों में लाने से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से एचआरटीसी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और प्रदेशवासियों को भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने बसें चलाने की अनुमति दे दी है। उन्हें उम्मीद है कि बसें चलाने से अब एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। अधिक जानकारी देते हुए एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने बताया कि अभी चार रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें जगजीत नगर से चंडीगढ़ थानाधार भुट्टी, शिमला चंडीगढ़ नूरपुर, सोलन बद्दी शिमला चंडीगढ़ रूट शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी जो बाहरी राज्यों में रहते हैं, उनकी काफी समय से मांग थी कि हिमाचल से अन्य राज्यों के लिए बसें चलाई जाएं। उनकी मांग को देखते हुए बसों को चलाया गया है। उन्होंने कहा कि शादियों और त्योहारों का सीजन भी आ चुका है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि बसों में फिर से पहले की तरह सवारियां मिलेंगी और एचआरटीसी अपने वित्तीय घाटे को पूरा कर सकेगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में जाने वाले चालकों परिचालकों को फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स प्रतिदिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। बसों को सैनिटाइज करवाया जाएगा ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ऑर्डरों के अनुसार, मेरा मतलब 14 अक्टूबर से, सोलन डिपो ने चार बस रूट जो कि चंडीगढ़ को या वाया चंडीगढ़ होकर जाते हैं, उनको शुरू किया गया है। उनमें विशेषकर जगजीत नगर चंडीगढ़ थानाधार भुट्टी पहला रूट है, दूसरा शिमला चंडीगढ़ नूरपुर दूसरा रूट है, और तीसरा जो रूट है वो सोलन से बद्दी, और चौथा रूट शिमला से चंडीगढ़ शुरू किया गया है। ये अभी ट्रायल तौर पे भी देखा जा रहा है कि पैसेंजर्स की परसेंटेज के अनुसार इसको बढ़ाया जाएगा, बढ़ाए भी जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है त्योहारों का सीजन है, और हरिद्वार के रूट भी शुरू किए जा सकते हैं, अम्बाला के भी बहुत ही एक दो दिन के बाद शुरू किए जा सकते हैं। सबसे अहम पहलू ये है कि ये रूट्स जो हैं वो लगभग सात माह बाद चालू किए गए, और जो बाहरी राज्यों में हिमाचल के लोग रहते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था कि इनको शुरू किया जाए, क्योंकि शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है, त्योहारों का सीजन भी शुरू हो रहा है, और हमें आशा है कि अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ हम जो एचआरटीसी को रेवेन्यू की दिक्कत आ ही गई है और लगभग हम जूझ रहे थे, उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। इसमें विशेष करके हमने अपने स्टाफ को जो है फेस शील्ड और मौत में मास्क, इसके साथ सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स, ये सभी लॉन्ग रूट के जितने भी ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको डेली इशू किया जाएगा, और जो बस चल रही है उसको हर दिन वर्कशॉप में सैनिटाइज किया जाएगा, और साथ में चंडीगढ़ भी सैनिटाइज किया जाएगा। बुखार वगैरह चेक करने के लिए कुछ नहीं दिया गया? बुखार चेक करने के लिए ड्राइवर के पास तो नहीं है, परंतु चंडीगढ़ में भी हमारा प्रशासन है, वहाँ ट्रैफिक एक मैनेजर बैठते हैं, वो उनका प्रबंध वहाँ पे रहेगा।